सतगुरु दीन दयाल महान कैसे दीन दयाल है। दीन दयाल वृद्ध संभारी हरो नाथ मम संकट भारी, ऐसे दीन दयाल है। दीनों पर दयाल करने वाला सतगुरु ही होता है। किसको पुकार करोगे? अनजान आदमी को। जानकार आदमी डॉक्टर हुआ तो ट्रीटमेंट होगा, डॉक्टर ना होगा ट्रीटमेंट किससे कराओगे? हॉस्पिटल में मत्था टेकने का तो मतलब ही नहीं कोई। डॉक्टर भी सर्जन होगा तो आपकी बीमारी का इलाज भी पक्का होगा। अगर डॉक्टर कच्चा होगा, डिग्री उसके पास नहीं है, तो मरीज को मार सकता है पानी का टीका लगा के। अपने गुरु का शिष्य, भगवान का भक्त प्रभु से पुकार करता है, दुआ करता है, अपनी अंतर आत्मा की आवाज को अपने गुरु के चरणों में भेंट करके कहता है, पार ब्रह्म परमात्मा सतगुरुदेव त्रहिमान त्रहिमान त्रहिमान। क्या चाहते हो भक्त? रिद्धि सिद्धि। ना रिद्धि चाहता हूं ना सिद्धि चाहता हूं, ना जगत की कामना चाहता हूं। जगत की कामना क्या मांगूंगा आपसे मैं? रिद्धि सिद्धि लेके मैं क्या करूंगा? रिद्धि सिद्धि फल कछु नहीं चाहूं मैं, कोई फल नहीं चाहता, मार्गदर्शन चाहता हूं। मैं भटक गया हूं। जगत कामना को कोई चीज की मन में नहीं है मेरे को। मैं अब अपने अंतर आत्मा को देख चुका हूं मैं कि रिश्तेदारी शीशा की दीवार है। टकराते रहो, जख्म होते रहेगी, बढ़ते रहो। देव मुझे भक्ति का वरदान है, प्रभु मुझे भक्ति का वरदान दो कि मैं आपके चरणों की भक्ति करूं। भक्ति में सभी शक्ति आ जाती है। राम भक्ति की चाह है हमारे, इसलिए पकड़े हैं चरण तुम्हारे में, और कुछ नहीं चाहता मैं। चरण इसलिए पकड़ा है कि मेरे को आपके चरणों की भक्ति चाहिए। राम को किसने देखा है? मैं तो गुरु रूप में राम को ही देखा है। राम भक्ति की चाह हमारे, इसलिए पकड़े हैं चरण तुम्हारे। मैं हूं स्वार्थ से बस अज्ञान, मेरा ये स्वार्थी सही, इसको स्वार्थ मान लेना, क्योंकि ये मेरा कल्याण के वास्ते, मेरे मार्गदर्शन के वास्ते स्वार्थ है और किसी के वास्ते नहीं। क्योंकि मुक्ति होने के मन में आए, अब तो बुढ़ापा आ गया, आखिरी समय आ गया, अब तो जाने की यात्रा पूरी हो गई, जाने का टाइम आ गया। ये कोई साथ जाने वाले नहीं, थोड़ा दिन के लिए रो लेंगे, पीट लेंगे, थोड़ा दिन भूल जाएंगे। इसलिए हे प्रभु, मुझे अब आपका मार्गदर्शन दो, मुक्ति होने के मन में आवे। इस संसार से बहुत जीव डरावे। मैं हूं बारक निफ्ट नादान में, बच्चा हूं आपका, अनजान हूं, मुझे कुछ पता नहीं। जब कुछ पता नहीं होता, जब भी उसको मिलता है, लेकिन अगर हम पढ़े लिखे होकर के ज्ञान देने को जाएं, गुरु को ही समझाने जाएं, ऐसे उठो, ऐसे बैठो, ऐसे चलो, तो ठीक है, आपकी हमारी सहमति है, नहीं तो 50-50 वो गुरु क्या देगा तुम्हारे को? आप जैसा ही गुरु होगा वो। गुरु देता है, लेता नहीं। लेता है वो गुरु कैसे होगा? गुरु तो देता है। गुरु क्या देता है? नाम दान, नाम का दान देता है। तुम्हारा दान में तो शर्त है, तुम्हारा दान में तो दुर्गंध है, अहंकार का भरा हुआ दान क्या दोगे? इसमें तो बदबू आती है। एक पवित्र दान तो इस सतगुरु का ही है। हम बैठे हैं सत्संग में तुम्हारे, हम बैठे हैं नाव तुम्हारी, एक नाव रूपी संसार है। नाव क्या है? नाम। हम बैठे हैं आपका नाम लेने के लिए, ये नाव में हम बैठे हैं। नाव तुम्हारी भव सागर से करो गुरु पारी,
तन मन धन अर्पण है ये प्राण, जय 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 श्री। बाकी क्या रह गया? बहुत से लोग कहते हैं बाबा जी सभी कुछ आपका है, लेकिन हाथ मत लगाना कोई चीज का, कहते देते हैं बहुत से लोग बाबा जी सब कुछ आप ही का है लेकिन हाथ मत लगाना कोई चीज के। प्रेम भक्ति में हृदय भेजे ऐसा दान दो मेरे को कि आपके नाम में सिमरन करता करता मैं एक सागर में बूंद सागरी हो जाती है, ऐसे ही मैं आपके ध्यान में लीन होकर के और मैं आप में ही ज्योति में ज्योत समा जाऊं। इसलिए भाई बहनों ये जिंदगी तो एक झूठी है, अड़ाई हुई अफवाह, ये तो रिश्तेदारी है, संताप है, तो मैं क्या करूं? तो एक काम कर, सतगुरु के चरणों में लग जा। एक प्रेम की गंगा बहती है, प्रेम की गंगा बहती, एक प्रेम की गंगा बहती, बोलो एक प्रेम की गंगा बहती है। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, प्रेम की गंगा बहती है, एक प्रेम की गंगा बहती है, एक फल मिलता है सुप तीर्थों का, फल मिलता स्नान तुम्हारे चरणों में, स्नान तुम्हारे चरणों, एक प्रेम की गंगा बहती है, एक जन्म से अटका हूँ मैं, जन्म जन्म से, मैं जन्म जन्म से अटका हूँ, मैं जन्म जन्म से अटका हूँ, अब शरण तुम्हारी कल्याण तुम्हारे चरणों में, कल्याण तुम्हारे चरणों में, प्रेम की गंगा बहती, प्रेम की गंगा बहती, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, गुरुदेव तुम्हारे
दर्शन पाता है एक बार जो सतगुरु का दर्शन पाता है सतगुरु का दर्शन पाता है दिल सत भरे हैं भंडार भंग लिए क्या गुप्त भरे हैं भंडार भगति का क्या गुप्त भरे भंडार भक्ति का गुरुदेव तुम्हारे चरणों में हाथ जोड़ गुरु के चरणों में हाथ जोड़ हाथ जोड़ गुरु के मोहनदास के तोर के चरण मोहनदास की लकी चौरासी कटो मोहनदास की लकी चौरासी तीर्थों का फल मिलता है।
जीवन की गंगा बहती है। एक गंगा तो आपका शरीर का मैल उतारती है और एक गंगा आपकी चेतना का मैल उतारती है। वो क्या है, जन्म जन्म का मैल हट जाता है। एक प्रेम रूपी गंगा, प्रेम किया तो नहीं पाया, प्रेम के बिना प्रभु नहीं मिलेगा। इसलिए पहले प्रेम सीखो। निंदा बुराई चुगली किसी की मत करो, बुरा मत कहो, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, तो तुम गुरु की संगत में बैठने योग्य हो जाओगे। अगर तुम्हारे मन में पसपड़ी हुई है, नफरत रूपी पसपड़ी हुई है, तो तुम चाहे लाख सिर पीटो गुरु के चरण में जाकर के, तुम किसी काम के लिए निकम्मा हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर तो बदबू आ रही है नफरत रूपी। इस नफरत को जड़ से उखाड़ के फेंको। जिस रोज आपके मन के अंदर से नफरत निकल जाएगी, ना कोई बैरी ना ही बिगाना, सकल संग हमको बन आई बिसर गई सब, ये समझ कहां से पाई, यही तो संतों से पाई। क्योंकि संत लोग नफरत नहीं सिखाते। आपकी जेब में दो सिक्का होगा कि झूठा रे सत्ता किसको चलाओगे, कोटा से निम्बल लो सत्ता चले जाएगा। तो आज इस संसार में गुरु के नाम से खोटा सिक्का इतना चल पड़े हैं, रोज देख रहे हैं सीरियल पे आप। गुरु कोई सीरियल पे थोड़े आते हैं, अगर सीरियल पे हो तो फिर सीरियल देखो, घर बुलाने की क्या जरूरत है, सत्संग में क्या जरूरत है। सब पैसे की दौड़ धूप है, तुम्हारा पैसा का दुरुपयोग वहां होता है, क्योंकि तुम्हारे पास भी दो नंबर का आता है और उनके पास भी दो नंबर का आता है, तो वो क्यों ना मजा लेंगे। वो क्योंकि सारी दुनिया मजा ले रही, हम क्यों ना लें। तो आज गुरु के नाम पे खोटा सिक्का जो सच्चे गुरु को चलने में बाधा खड़ी कर देते हैं, लेकिन सत्ता तो सत्ता ही है, गुरु गुरु लादोरे, गुरु लादोरे, एक ही गुरु होता है, भीड़ नहीं होती। हाँ, तुम्हारे जैसा ही गुरु मिल जाएगा, लेकिन आजकल गुरु 95% ऐसे हैं जो शिष्यों की मंडली चलाती हैं। गुरु जी ऐसे चलो, ऐसे उठो, ऐसे बैठो, और आपका प्रोग्राम करो तो 50-50 पहले से ही दे देना, और जो कोई चढ़ावा आएगा उसमें नजर रखेंगे हम, एक पैसा भी ज्यादा नहीं ले जाने देंगे। तो जब 50-50 होता है, भाव उपदेश थोड़ा ही होगा, गुरु भी राजी चेला भी राजी, लेकिन गुरु का स्वभाव ऐसा नहीं, पमन गुरु पानी पिता। गुरु का स्वभाव तो पमन जैसा है, चले तो चले, ना चले तो ना चले, लेकिन गुरु किसी की मुट्ठी में नहीं आते। जो गुरु मुट्ठी में आ गया वो गुरु ही नहीं होता। हाँ, तुम चाहो तो गुरु की मुट्ठी में जा सकते हो। जहां प्रेम की गंगा बहती है, गुरु देव तुम्हारे चरणों में फल मिलता है सब तीर्थों का, और तीर्थ बार बार गंगा सागर एक बार। तो गंगा सागर क्या है, गुरु का सत्संग। गुरु का सत्संग कभी कभी होता है जो आनंद का अनुभव होता है, आनंद का अनुभव होता है, वही गंगा का सागर का स्नान होता है। फल मिलता है सब तीर्थों का गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। मैं जन्म जन्म से अटका हूं, शिष्य कहता है मैं जन्मों जन्मों से अटका हुआ था, मुझे पता नहीं था कि गुरु की परिभाषा क्या है। हम तो सुना कि आजकल गुरु ऐसे है, कानापति कुर तुतीला में गुरे, कुछ माया लगे धरे चाहे डूब जाए मारे, ऐसे गुरु तुम्हारे क्या देंगे। भाई बहनों, इस पखंडवाद की जड़ों को काटोगे, इनसे छुटकारा होगे तो मार्गदर्शन होगा। ज्यादा भीड़ की जरूरत नहीं, थोड़ी सी भीड़ ठीक रहती है जिसमें आनंद होता है। भीड़ में तो धक्का स्याही होती है। मैं भिक्षक हूं, मैं तो भिखारी हूं, तुम दाता हो, तुम देते हो, मैं भीख मांगने आया हूं क्या कि तुम्हारा नाम दान की भीख मांगने आया हूं, मुझे मार्गदर्शन चाहिए।
मैं भिक्षक हूँ, तुम दाता हो, संबंध बनाने आए हो, मैं तो आपके साथ में संबंध बनाने आया हूँ कि मैं आपका शिष्य बनने आया हूँ। शिष्य का अर्थ है कि शीर्ष आसन हो गया, मैं सरेंडर हो गया कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको अर्पण कर दिया, क्या लागत है। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम। यही तो परिभाषा है सतगुरु की, दुखों का कष्ट मिटाते हो और दूसरों का कष्ट लेकर के हर एक आदमी को सुख पहुंचाते हो। मेरे जन्म जन्म की छुटकारा, जन्म का छुटकारा जब मिलेगा तो गुरु के चरणों में जाओगे। गुरु के चरणों में जाने से आदमी का कल्याण होता है। एक बार जो दर्शन पाता है वो सतगुरु को दिल अपना दे जाता है। क्या गुप्त बरे हैं भंडार भक्ति के गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। हे गुरुदेव, आपके चरणों में भक्ति का भंडार भरे हुए हैं, इसलिए मैं क्या वर्णन करूं आपका, आप तो सब जानते हैं। नाम के प्रताप नंद लाल आप भय, नाम के प्रताप नंद लाल आप भय प्रभु, नाम के प्रताप सुत दशरथ को कहलायो है, नाम के प्रताप पैज राखी प्रह्लाद जी, नाम के प्रताप दोरो द्वारका सधायो है, नाम के प्रताप की ना महिमा मौसे कही जात, नाम के प्रताप सब संतन यश गायो है, वो ही नाम आस करे मोहनदास, वो ही नाम चार वेद मिल कर के यश गायो है, अखियां दर्शन देख दीवान, अखियां दर्शन देख दीवान, अखियां दर्शन देख दीवान, अखियां दर्शन देख दीवान, सतगुरु नर मुनि गुणि ऋषि देवता, सुर नर मुनि गुणि ऋषि देवता, मुनि गुणि ऋषि देवता, योग युगति सिद्धि ध्यान, करे हैं आरती, ब्रह्मा विष्णु
सतगुरु पूरे
पलक टकेलो की मोहनदास पलक टकेलो की बहने ने जल पानी पानी बहने जल पानी पानी दर्शन देखने जाए तो आंखों में टकटकी लग जाती है। दर्शन देख जीवा गुरु तेरा पूर्ण कर्म होए प्रभु मेरा। जब पूर्ण कर्म उदय होता है तब पूर्ण गुरु की कृपा बरसती है। सुर नर मुनि गुणि ऋषि देवता गुरु की वाणी का वर्णन करते हैं। सुर नर मुनि गुणि ऋषि देवता ब्रह्मा सृष्टि का रचना कारक गुरु के चरणों में जाकर के भक्ति मांगता है कि मुझे नाम दान चाहिए, मारे प्रसन्न दो मुझे। ब्रह्मा सृष्टि का मालिक गुरु से नाम मांगता है, मारे प्रसन्न मांगता है कि मैं रचना करूं, मुझे मारे प्रसन्न दो। आम आदमी की तो बात ही क्या है, लेकिन पूर्ण गुरु होता है तभी पूर्ण में से पूर्ण निकाला जाता है, शेष पूर्ण बचता है। ऐसे ही भगवान की कृपा बरसती है तो बेशर्त बरसती है। वाणी का अर्थ तो बहुत लंबा होता है, वाणी तो महामंत्र है। मंत्र नहीं, मंत्र तो चुप कराता है, और महावाणी है। महावाणी का अर्थ है विशाल, जिसका अंत नहीं अनंत है। तो गुरु की वाणी का वर्णन करते करते देवी देवता भी थक जाते हैं, वेद भी थक गया नेति नेति कह करके। तो हम क्या वाणी का वर्णन करें, इसलिए इतना ही काफी है कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरु नमः। 10 मिनट के वास्ते कीर्तन होगा। Hey, Ram, 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 H
राजा भक्ति में हृदय भीगे प्रेम भक्ति में हृदय भीगे आरती श्री सतगुरु जी की आरती श्री सतगुरु जी की श्री गुरु चरण शरण सुखदाई कहो जोरी कर आरती पति गावे मन के रोग दोग सब नाथ अंतर ध्यान निरति सुख
समणे अमृत को मन मन जमालनी भूल ज्ञान ध्यान की ज्योति हद बाजा बजने लागे सोर नगरिया तनी तति भागे ममता मरे भक्ति में आगे में पार अचल मन बीजे आरती श्री सतगुरु आरती श्री सतगुरु घटी घटी दरी से दीन दया सूरज जान भया जयाल रोम रोम सब हो गए माला नैन नने के रूपी आरती श्री सतगुरु आरती श्री अन हद घंटे आप से बाजी शब्द सुनत मन हो गयो मोहनदास आरती गावी चरण धोए माता च पिता तमेव बंधु च सखा तमेव विद्या द्रमण तमेव सर्व मम श्री राम गोविंद मुकुंद कृष्णनाथ श्री वल्लभानंद जगन्नाथ से श्री राम राधे ओम भूर्भुव स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ओम शांति 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 ओम शांति 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 ओम शांति शांति धर्म की अधर्म का विश्व का प्राणियों में हरे 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 महादेव हे सत्या जोता वाले माता तुहाड़ी सदा जेकर सिरा माली जेकर पीर बजरंगी हरे 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 महादेव बोले सोनिहार वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी का।